दुनिया का सबसे अजीब जानवर कंगारू, जिसे उछलने वाला जानवर भी कहा जाता है, यह दुनिया के सभी जानवरों से अलग होता है। हैरानी की बात यह है, इसमें मादा कंगारू की 3 योनि होती है और 2 गर्भाशय होते हैं और इसके पेट पर 1 थैली होती है। नर कंगारू के 2 लिंग होते हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है, मादा कंगारू कौन सी योनि से संभोग करती है और नर कंगारू संभोग के लिए कौन से लिंग का प्रयोग करता है। अगर आप इसके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कंगारू ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला जीव है। यह एक शाकाहारी जानवर है। आमतौर पर यह फल घास वगैरह खाता है। मजे की बात यह है, यह चलने की बजाय 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जंप करते हुए दौड़ते हैं। वैसे तो इनकी आंखों की रोशनी बहुत तेज होती है, लेकिन हैरानी की बात यह है, ये सिर्फ चलती फिरती वस्तु को ही देख पाते हैं। इनकी एक मजे की बात यह भी है, नर कंगारू मादा कंगारू को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अपने बाइसेप्स दिखाते हैं। मादा कंगारू की 2 योनि संभोग के लिए होती है, क्योंकि नर कंगारू के भी 2 लिंग होते हैं और इसकी 3री योनि बच्चे को जन्म देने के लिए होती है। इनका गर्भकाल लगभग 40 दिनों का होता है। इतने छोटे गर्भकाल के कारण कंगारू का बच्चा पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाता है। जन्म के बाद इनका बच्चा माँ के पेट पर बनी थैली में पहुँच जाता है और इसी थैली में इसका पूरा विकास होता है। मादा कंगारू एक बार में लगभग 5 बच्चों को जन्म देती है। इसकी हैरान करने वाली एक बात यह भी है, बच्चे को जन्म देने के बाद यह फिर से गर्भवती हो जाती है। इस बार इसका गर्भकाल इतना लंबा होता है, जब तक पहले बच्चे थैली में रहना नहीं छोड़ देते तब तक इसका गर्भकाल चलता ही रहता है। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।